तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी चार नंबर वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप देख लेते हैं वीडियो को तो। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में टारगेट हम लोग का सीधे 95% का, इसके नीचे बात ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चार नंबर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, चार नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ किए हुए सीधे हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और पहला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ और उसे हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलना ही मिलना है इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि पहले चैप्टर से ही प्रश्न यह लिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। कह रहा है ना कि भाग वोग देना नहीं है, डायरेक्ट हमें आप बिना भाग दिए हुए आप हमें ये बताइए कि जो दो परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो शांत या अशांत मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, शांत किसे कहते हैं अशांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं कि कौन शांत है या कौन अशांत है। मैंने बताया कि देखिए कोई भी परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, तो शांत कब होगा जब हर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का आएगा। तो क्या होगा, हर अगर 2 पे पावर 5 गुणे 5 पे पावर n अगर इस फैक्टर में आ जाता है तो समझ लीजिए कि वह शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए बिना भाग दिए हुए देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला पार्ट को सॉल्व कर देंगे, पहला पार्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 13/3125 ये दिया ना, हमें सिर्फ हर को देखना है, अंश को कुछ मतलब नहीं है। हर आपका क्या है, 3125। हम क्या करेंगे, 3125 का फैक्टर करेंगे। तो चलिए 3125 का यहाँ पे हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। ये आपको रफ कार्य करना है, यानी कि डायरेक्ट यहीं करने लगे नहीं, रफ पीछे कीजिएगा। 5 से कटेगा, 3 से कट नहीं पाएगा, कि 5 दुना 7 1 8, 8 3 11, इसका योग 11 हो रहा था, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटाते हैं। 5 6 30, 5 दुना 10 50 25, 5 से कटाएंगे, फिर से 5 1 5, 5 दुना 10 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दुना 10 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 1 5। मतलब हमको मालूम चल गया कि ऊपर आपका 13 रहने वाला है और मैंने 3125 का फैक्टर मैंने क्या कर दिया, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 कर दिया। ठीक है, फिर हमने आगे एक चीज़ देखा कि 13 बटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार आया था इसलिए इसे मैं 5 पे पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 5 पे पावर 5 लिख सकता हूँ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, 5 पे पावर 5 लिख दिया, मैंने बताया था कि हर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n आना चाहिए, तो यहाँ 5 पे पावर तो n आ गया, क्योंकि n बराबर यहाँ पे वैल्यू 5 दिया है ऊपर वाला, तो 5 पे पावर n तो आ गया, लेकिन हमें 2 पे पावर n चाहिए। तो 2 पे पावर n के लिए क्या मैं 2 पे पावर 0 नहीं लिख सकूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 पे पावर 0 को वैल्यू 1 होता है। तो अगर इसमें मैं गुणा कर दूँ 2 पे पावर 0 को, तो मान में तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 2 पे पावर 0 को वैल्यू 1 होता है और 5 पे पावर 5 में 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन हम 2 पे पावर 0 लिख देंगे ताकि हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाए कि हाँ भाई 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n बन गया। तो देखिए यहाँ पे 5 पे पावर n बन गया, 2 पे पावर n बन गया। ठीक है, यह 2 पे पावर m रहेगा ना, m, तो यहाँ n बराबर 5 हो गया और m बराबर क्या हो गया, 0। मतलब कि यह 5 पे पावर m गुणे 2 पे पावर n आ रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि क्या आपका है जो 13/3125 होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं, इसी के दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट दिया है 29/343, हमें देखना है कि इसको 343 को देखना है।
तो हम सबसे पहले 343 का यहाँ पे फैक्टर करेंगे, तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा ना, क्योंकि 4 दिन, 7 दिन 10 होता है, 7 से कटाइए, 7 चौक 28, बच गया कितना, 34 में से 28 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 6 3 63, 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे, 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे, कट गया। ठीक है, हमें मालूम चल गया कि 29 बटे क्या गया, 3043 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये तो आ गया 29 × 7³। अब इस मैंने कहा था कि हर देखते हैं, तो हर तो हमें ये चाहिए ना, 2^5 × 5^n चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, तब 7 आ गया तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि 29/343 होगा। ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांतवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि हमें 2^5 × 5^n चाहिए। ठीक है, 2^m × 5^n चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांतवर्ती होगा। और यहाँ पे देखिए 2^m × 5^n आ रहा था, इसलिए हम इसको शांत कह दिए हैं। तो आई होप ये वाला प्रश्न आपको नो डाउट होना चाहिए, कभी भी अगर इस तरह पूछ दे आप लोगों को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बताइए कि कोई भी परिमेय संख्या शांतवर्ती है अशांतवर्ती है, तो आप इसको अच्छे तरीके से बना पाओगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यह प्रश्न। चलिए, यह प्रश्न अगर कोई डाउट नहीं है इस प्रश्न में, तो हम जल्द बढ़ेंगे आगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ और उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। कह रहा कि कोई भिन्न है, अगर भिन्न के अंश में 1 जोड़ देंगे तथा हर में 1 घटा देंगे तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है, पहला कह रहा है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना माना भिन्न का अंश, कोई भी भिन्न x/y में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना भिन्न का जो अंश होगा, भिन्न का अंश वो क्या है, एक्स तथा हर मान लेंगे हम लोग क्या, हर वाई है। और किसी भी भिन्न का हमने अंश एक्स मान लिया और हर को मैंने वाई मान लिया, तो भिन्न क्या बन जाएगी, x/y बन जाएगी। ठीक, ये चीज़ अब सारा चीज़ इसी में करने के लिए बोल रहा है कि यह भिन्न बन गया x/y। कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में अगर 1 में यहाँ पर जोड़ दूँ, ठीक है, और हर में 1 घटा दूँ या हर में से 1 घटा दूँ, तो वह भिन्न क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, मतलब 1 वो भिन्न 1 बन जाती है, ये कह रहा है। तो चलिए इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 मान लीजिए, x+1 को गुणा इस 1 में होगा तो हो जाएगा x+1 = y-1 को गुणा इस 1 में होगा तो हो जाएगा y-1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे कि x = क्या हो जाएगा, y-1, ये जो प्लस और प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या, x = y-1 - 1 कितना हो जाएगा, -2, मतलब x = y-2 हो गया। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर पहला। ठीक है, फिर कह रहा है आगे, तब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, मतलब कह रहा है फिर वही भिन्न है आपका x/y है, और इस बार कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, सिर्फ हर में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है कि हर में अगर 1 जोड़ देंगे तो यह भिन्न हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ये चीज़ कह रहा है। तो करना में क्या है, चलिए फिर से हम लोग कर लेते हैं इसको, 2 × x में होगा तो हो जाएगा आपका 2x = y+1 × 1 में होगा तो हो जाएगा आपका y+1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, यह तो 2x = y+ क्या हो गया, 1, इसे समीकरण क्या मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x है समीकरण पहला में, x = y-2, और समीकरण दूसरा में 2x = y+1। अगर ये भी 2x रहता, ये भी 2x, तक काम बन जाता, तो अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूँ तो काम नहीं बन जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे, यहाँ लिखिए आप लोग कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने के बाद क्या करेंगे कि उसके बाद
समीकरण दो को घटाने पर, मतलब समीकरण एक में दो से गुणा कर लीजिए, फिर उसमें से समीकरण दो को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो चलिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर, दो में वाई को गुणा होगा तो 2y अब माइनस दो दूनी के 4, ठीक है ये आ गया। आई इसी में से समीकरण दूसरा घटा देना है, मतलब 2x बराबर वाई प्लस एक क्या कर देना है आपको, घटा देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे घटाना है, तो देखिए कैसे घटेगा यहाँ। तो घटाने के लिए साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस 2y यहाँ कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 0 बराबर, इधर क्या बच जाएगा प्लस 2y माइनस वाई, तो क्या बच जाएगा सिर्फ y बच जाएगा, ठीक है। माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे आ गया आपका y माइनस 5 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो y की वैल्यू 5 आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, 5, तो y की वैल्यू 5 आ गया, तो y की वैल्यू इन दोनों किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे y बराबर 5 का मान, y बराबर 5 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक आपका है x बराबर वाई माइनस दो, तो ये हो जाएगा x बराबर वाई, वाई की वैल्यू कितना है 5, तो 5 माइनस दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ठीक है। हमसे पूछा था क्वेश्चन कि भिन्न क्या होगी, तो चलिए अब तो निकल गया ना, तो भिन्न हमारा क्या होता है, x बटे वाई के रूप में हमने माना था, तो x की वैल्यू कितना है 3, तो ऊपर 3 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 5 है तो 5, मतलब 3/5 ही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, यही इसका आंसर है। यही 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इस प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण का यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को द्विघात समीकरण में सम्मानित करके हल कीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है समीकरण, इसको हमें द्विघात समीकरण में बनाकर इसे क्या करना, हल करना है, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि। तो आइए इस क्वेश्चन को प्रयास करते हैं हल करने के लिए, आपको मेथड बता रहा हूँ उस तरह सीख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा भाई तो करना ही पड़ेगा, 4 नंबर का सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टेप समझिए पहले आप लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको यहाँ पे हल करते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से, हमको दे रखा है कि करड़ी में 4x माइनस 3 और प्लस दे रखा है करड़ी में 2x प्लस 3 बराबर दे रखा है 6, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंपल से हम लोग करने वाले ये चीज़ें कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कि करड़ी में 4x माइनस 3 बराबर 6 इस साइड है, प्लस दो प्लस करने में 2x प्लस 3 इधर प्लस में, अगर उधर में भेज दूंगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इतना करने के बाद आप पढ़ना सिंपल कि दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पे, तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, करड़ी में 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 6 माइनस करड़ी में 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, वर्ग हो गया। तो चलिए वर्ग करने पे करड़ी हट जाती है, तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 बराबर 6 का वर्ग 36, और माइनस इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर फार्मूला बन गया क्या, ए माइनस बी हो गया ना, इसको ए मान लीजिए, ए माइनस हो गया ये बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, और प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कि इसका अगर वर्क करते हैं तो कड़ी हट जाएगी, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर माइनस के क्या होता है 2ab, तो 2 ए की जगह 6, बी की जगह आपका ये रहेगा कड़ी में 2x प्लस 3, तो ये आपका ए माइनस बी की होल स्क्वायर पर टूट गया, तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है,
प्लस तीन माइनस के, 6 × 2 = 12, 12 करड़ी में 2x + 3, ठीक है, इतना ही ना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4x - 3, अब ये सारी चीज़ें इधर में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस 36 इधर आएगा तो -36, प्लस 2x इधर आएगा तो -2x, प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, बराबर इधर बच जाएगा आपका सिर्फ -12, करोड़ी में क्या बच जाएगा 2x + 3 बच जाएगा, ठीक है। अब आगे इसे हल करते हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि 4x में से अगर मैं 2x घटा दूँ तो बच जाएगा आपका 2x, फिर -3 और -36 और -3 इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 36 और 3 39, 39 × 3 = 42, -42 आ गया, ठीक है, बराबर इधर बच गया आपका क्या -12, करणी में 2x + 3 बच गया, ठीक है। आप देखिए करेंगे हम यहाँ, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे दो कामा ले लेते हैं, दो कामा लेंगे तो हो जाएगा x - 42 बराबर, ठीक है। यहाँ पे दो कामा ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका -6, दो कामा लेंगे 2 × 12, ठीक है, आ जाएगा 2x + 3। तो दो मैंने कामा लिया तो इस दो से दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दो मैंने कामा लिया तो कामन को हटा देंगे, कामन वाली चीज़ों को हटा देंगे, ठीक है। कामा लेना मतलब भाग देना, तो दो से भाग दिए हैं तो हो जाएगा 1 - 21 होगा, दो से भाग देंगे तो 21 × 42 होता है, तो ये हो जाएगा 2x - 21 हो जाएगा, दो से भाग देंगे तो इसमें 2 से भाग दिया मैंने तो 2 × 12 मतलब -6, करोड़ी में क्या 2x + 3, ठीक है, ये काट दीजिए, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब क्या करेंगे, इनको आप पुनः फिर वर्क करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पे, पुनः दोनों ओर का वर्ग करने पे, तो ये करते हैं तो हो जाएगा आपका x - 21 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, बराबर ये आपका हो जाएगा -6, करड़ी में 2x + 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो आपका a - b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा तो हो जाएगा आप a² मतलब x² + b² मतलब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। फिर -2ab तो 2a मतलब x, b मतलब 21, ठीक है, बराबर इसका करेंगे -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो +36, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी तो हो जाएगा 2x + 3। अब देखते हैं आगे, तो हो जाएगा आपका x² 21 × 42x, तो हो जाएगा आपका 42x प्लस 441 बराबर इसे करेंगे तो 36 × 72x और प्लस 36 × 108, ठीक है। अब आगे फिर इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 42x + 441, ठीक है, और प्लस 72 इधर आएगा तो -72x और प्लस 108 इधर आएगा तो -108 बराबर उत्पत्ति गया उधर 0, तो इधर हो जाएगा आपका x² - 42x और -72x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -114x होगा, और प्लस 141 में से -108 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा +333 बराबर 0, बचेगा ना, बिल्कुल यहाँ तक हो गया। अब मेरा भर भी गया इसलिए मैं दूसरा में यह ले लेता हूँ पेज, ताकि मैं दूसरे पे सॉल्व करूँ, यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना। चलिए तब यहाँ तक क्लियर हो गया कि x² - 114x और +333 बराबर 0 आ गया, तब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा 333x², दो संख्या ऐसा लीजिए कि उनका गुणा करने पर 333 आ जाए या जोड़ने घटाने पर 114 आ जाए, ठीक है, तो वो संख्या होगी 111 × 3 मतलब 111 × 3, 111 में 3 का गुणा करेंगे तो 333 भी आ जाएगा, 111 में 3 जोड़ेंगे तो 114 भी आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ फिट कर देंगे इसको कि x² - 3x - 111x + 333, देखिए -3x - 111x - 114x हो जाएगा, अब -3x / -111x में करेंगे तो आपका 333x² भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आपको पेयर बना लेना है, समझ रहे हैं, जोड़ा मतलब पेयर बना लेना है, यहाँ से अगर x का मान लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस
मैं 111 का मान ले लेता हूँ, तो यहाँ से 111 से 11 कैंसिल, तो एक्स इस माइ यह जो माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, और 133 का भाग देंगे, मतलब 111 से 133 भाग देंगे तो 3 बार जाएगा बराबर 0, मतलब जो इस कोष्टक में वो उसी कोष्टक में भी आ गया, मतलब काम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक कोष्टक में, और हो जाएगा एक्स माइनस 111 एक कोष्टक में बराबर 0। अब सिंपल एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक बार कर दीजिए एक्स माइनस 111 बराबर 0, तो एक बार आ जाएगा एक्स बराबर 3, अब एक बार आ जाएगा एक्स बराबर 111। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी दोनों आ गया, एक एक्स बराबर 3 आ गया और एक्स बराबर 111। अब हमें चेक करना है कि कौन इसमें सही आंसर होगा, तो समीकरण पहले दिया था हमको कि 4x माइनस 3 और प्लस दे रखा था हमको 2x प्लस 3 बराबर 6, तो पहले देखते हैं कि कौन मान इसमें सेटिफाइस करेगा वही आंसर होगा। तो हम पहले x बराबर 3 रख के देखते हैं, तो हो जाएगा करड़ी में 4 गुड़े एक्स की वैल्यू 3 फिर माइनस 3 प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 गुड़े एक्स की वैल्यू 3 और प्लस 3, इसे हल करने पर अगर 6 आ गया तो समझिए ये आंसर होगा, ठीक है। तो गुड़ा कीजिए 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचाएगा 9, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दुनिया के 6 3 9, तो करड़ी में 9 का मतलब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, और प्लस इस 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब आ गया मतलब एक्स की वैल्यू 3 रखने पर ये सेटिफाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो एक्स बराबर 3 ही होगा, 111 नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़ा क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर क्वेश्चन होगा तो बड़ा तो होगा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बताइए कि यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन 3 डिस्कस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है वाली, वीडियो अच्छी लगी होगी वाली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, समझ में आई होगी तो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है, और अच्छा परसेंटेज भी लाएंगे मेरा वादा है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।